हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? और ये सामने जो आप देख रहे हैं मॉडल TSLT09A प्रोजेक्टर है, 5000 लुमिनस प्रोजेक्टर है, एनसाई लुमिनस 300 है। और कनेक्टिविटी आप यहां देख सकते हैं, ये USB यहां पे आपको एक मिल जाएगा, ये मैंने लगा रखा है। एक USB यहां मिल जाएगा, दो USB पोर्ट है, दो HDMI है, ऑक्स AV है कनेक्टिविटी। ओके, और ये पीछे VGA भी मिल जाएगा आपको। ऊपर की तरफ बटन्स दिए हुए हैं ऑपरेट करने के लिए, और लेंस सेटिंग ये है। बाकी फुल डिटेल मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। और एक हाइट एडजस्टमेंट के लिए यहाँ स्क्रू दिया हुआ है। अब प्रोजेक्टर जो है हम ऑन कर लेते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर का जो फोकस है काफ़ी हाइट में जा रहा है, और डे लाइट है अभी, आप देख सकते हैं प्रॉपर अंधेरा नहीं है बिल्कुल भी। फुल डार्क रूम करके भी दिखाऊंगा मैं आपको। आप यहाँ देख सकते हैं प्रोजेक्टर जो है ऑन हो रहा है डे लाइट में। और जो है इसका हाइट स्क्रू जो है मैं थोड़ा टाइट कर देता हूँ, तो स्क्रीन जो है नीचे आ जाएगा इसका थोड़ा। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन जो है नीचे आ चुका है। और जो है लेंस से इसका सेटिंग कर देता हूँ। ओके, ये लेंस से पूरा सेटिंग कर दिया है यहाँ पे। आपको भी दोस्तों इसी तरीके से सेटिंग करना है अपना लेंस से और की स्टोन से। सबसे पहले आपको स्क्रीन क्लियर कर लेना है, ठीक है, एक एक वर्ड क्लियर कर लेना है। उसके बाद फिर आपको डिजिटल 4D की स्टोन से कॉर्नर टू कॉर्नर सेट कर लेना है। ओके, तो ये प्रोजेक्टर का होम पेज है यहाँ। ओके, या इसको इस प्रोजेक्टर को आप प्रेजेंटेशन के यूज़ में भी ले सकते हैं बिल्कुल आराम से। ओके, तो मैं आपको जो है यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन डिटेल सीट ही दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसी में आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आप इसे यूज़ में ले सकते हैं। स्पेसिफिकेशन डिटेल सीट में आपको दिखाऊँगा इसमें, और डे लाइट ही हो रहा है यहाँ पर, कोई ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ डार्क रूम करके रखा है मैंने, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो होता है थोड़ा डे लाइट में ही होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो है सही साठ ही डे लाइट है बिल्कुल जितना होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो है अभी हम ऑल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं एक बार, तो यहाँ जो भी इसमें PDF फाइल होगा वो सभी ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं TSLT09A प्रोजेक्टर यहाँ पर जो है स्पेसिफिकेशन ओपन कर रहा हूँ, TSLT09A का। ओके, तो यहाँ पे जो है फाइल जो है ओपन हो जाएगा। एक सेकेंड, मैंने बैक मार दिया इसलिए बैक हो गया है वो। ये देखिए आपका जो है प्रोजेक्टर यहाँ सामने आ गया आपके। ओके, तो मैं जो है टोटल बाहर की लाइट ही रहने देता हूँ, जो ब्लू लाइट मेरे यहाँ ऑन है उस लाइट को मैं ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि ब्लू लाइट के कारण जो है उल्टा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये आप देख सकते हैं इसका डिटेल वगैरह जो है पूरा आपको यहाँ सामने नज़र आ जाएगा। प्रोजेक्टर का जो देखिए स्पेसिफिकेशन फुल डिटेल यहाँ देख सकते हैं, हालांकि पूरा डिटेल वाला वीडियो बना है, पर मैं एक वीडियो और बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड्रॉयड 9 में है, वाईफाई, ब्लूटूथ और मिरर स्क्रीनिंग आपको प्रोजेक्टर में मिल जाता है, ठीक है। और अपग्रेडेड LED स्मार्ट एंड्रॉयड 9.0 LTPS डिस्प्ले टेक्नोलॉजी प्रोजेक्टर है। स्पेसिफिकेशन में चलते हैं, तो मैं हाईलाइट्स जो मेन स्पेसिफिकेशन में वो बता देता हूँ आपको। TSLT09A जो मॉडल नंबर है, ठीक है, और LED प्लस LCD LTPS डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है यहाँ पे। और दोस्तों मेरा जो डोर ओपन है तो थोड़ा आपको शोर सुनाई देगा, तो उसके लिए सॉरी है पहले से ही। ओके, क्योंकि डे लाइट में मैं दिखा रहा हूँ आपको, कोई साइलेंटली ऐसी जगह नहीं है कि अलग से, मेरा ऑफिस जो है मेरे घर के ऊपर ही बना हुआ फर्स्ट फ्लोर पे, तो यहाँ थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का शोर शराबा सुनाई देगा। ओके, तो और लुमिनस की बात करें तो 5000 लुमिनस इसकी ब्राइटनेस है। ओके, और नेटिव रेजोल्यूशन 1920x1080p है। एंड ANSI लुमिनस की बात करें तो वह 300 है, 300 लुमिनस ANSI, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप सामने देख रहे हैं, ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सामने दिख जाएगा। ओके, एंड्रॉयड 9.0 है, रैम रोम 1GB 8GB रैम रोम है, ब्लूटूथ, वाईफाई, एयरप्ले, कास्टिंग, ब्लूटूथ, प्ले स्टोर, ये सभी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ओके दोस्तों, अभी गर्मियों का सीजन है तो आइसक्रीम वाला नीचे घंटी बजा रहा है, उसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है।
ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा होता है, अभी मैं यहाँ करता हूँ तो कई बार बहुत ज़्यादा ही शोर शराबा होने लगता है। और आप यहाँ देख सकते हैं जो स्क्रीन साइज़ है, थोड़ा सा वीडियो पॉज करता हूँ। चलिए, मैंने डे लाइट में तो आपको दिखाई दिया है, डार्क रूम करके भी दिखाता हूँ आपको, जब तक कि आइसक्रीम वाला भी अपनी आइसक्रीम बेच के चला जाएगा। ठीक है, अभी फुल डार्क रूम कर दिया है मैंने यहाँ। तो स्क्रीन साइज़ की बात करें तो आप प्रेजेंटेशन के हिसाब से जो है 100 से 120 इंच का स्क्रीन साइज़ बना सकते हैं। और ये जो सामने आपके स्क्रीन दिख रहा है ना आपको दोस्तों, ये 130 इंच का स्क्रीन साइज़ बना हुआ, क्योंकि प्रोजेक्टर 13 फिट की डिस्टेंस में रखा हुआ है और 13 फिट की डिस्टेंस से जो है 130 इंच का स्क्रीन साइज़ बनाता है प्रोजेक्टर। ओके, और यहाँ आप देख सकते हैं 130 इंच का स्क्रीन साइज़ बना हुआ है ये। और आप मूवी पर्पस से इसमें 50 इंच से 250 इंच तक लिखा हुआ है, आप बना सकते हैं 250 इंच तक, पर मैं बोलूँगा आप 200 इंच तक ही बनाएं, 200 इंच भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और इसमें जो है डिस्प्ले टाइप जो है एलईडी दिया हुआ है, एलईडी टाइप है। और डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो है आपको इसमें 10,000:1 का मिल जाएगा। की स्टोन 4D डिजिटल की स्टोन है, और इसमें प्लस डिजिटल 4D की स्टोन तो है ही, और प्लस इसमें ये मैनुअल वाला भी है। तो देखा जाए तो 6D की स्टोन कलेक्शन में ही आएगा ये, क्योंकि 4D डिजिटल की स्टोन तो वो हो ही गया, और अपना एक ये वाला भी की स्टोन हो गया अपना। ठीक है, दो तो ये अपने 6D की स्टोन कलेक्शन भी बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, और 80 वाट का इसमें लैंप डला हुआ है। और देखिए, कई कस्टमर बोलते हैं मेरे से कि भाई हमारा देखो आपका TS-HD09A जो है 138 वाट है तो वो आपका 4000 लुमिनेंस है, ये 80 वाट है तो भी ये 5000 लुमिनेंस कैसे है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है ना, टेक्नोलॉजी अलग अलग होती है सभी फीचर्स की। ओके, ये मतलब सभी प्रोजेक्टर की जो टेक्नोलॉजी होती है अलग होती है, उस बेस पे ही वर्क करता है ये। तो ये 80 वाट में भी 5000 लुमिनेंस ये निकाल देता है। एनसाई लुमिनेंस 300 है, और TS-HD09 मॉडल का जो है एनसाई लुमिनेंस 250 है। ओके, इतना डिफरेंस आता है इसके अंदर। और एलईडी लाइफ की बात करें तो 50,000 घंटे आपको एलईडी लाइफ मिलेगी। और एलईडी लाइफ के लिए आपको अच्छी ज़्यादा एलईडी लाइफ निकाल सकें आप, तो आप प्रोजेक्टर को कंटिन्यू में 4 से 5 घंटे चलाइए, और 5 घंटे चलाने के बाद आप उसे 1 घंटे के लिए ऑफ़ कर दीजिए, या 1 मूवी देख लीजिए और प्रोजेक्टर को ऑफ़ कर दीजिए। ओके, इस तरीके से आप चलाइए प्रोजेक्टर को, 5 घंटे चला के 1 घंटे रेस्ट दे दो, फिर दोबारा 5 घंटे चला लो। ठीक है, आपका रूम यदि ठंडा है, पक्का मकान है बिल्कुल, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि ये जो चीज़ बता रहा हूँ मैं अलग रूम टेम्परेचर के हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपका, देखिए कई कस्टमर होते हैं कि जिनका मकान कच्चा रहता है, चाहे सीमेंटेड वाला चादर होता है, टीन वाला भी होता है, ऐसी जगह भी मेरे प्रोजेक्टर गए हैं। ओके, तो ऐसी जगह पर आप 1 मूवी देख के और प्रोजेक्टर ऑफ कर दें, है ना। ठीक है, इस तरीके से आप चलाइए प्रोजेक्टर को, क्योंकि हमारा ये है कि प्रोजेक्टर आप ले रहे हैं तो प्रोजेक्टर की ड्यूरेबिलिटी बनी रहे, और वो कब बनी रहेगी, जब हम आपको सही जानकारी देंगे। ओके, तो वही है, तो आप इस तरीके से प्रोजेक्टर चलाइए, लाइफ आपको अच्छी मिलेगी। और जो मैंने कनेक्टिविटी आपको दिखाई है वो आप देख सकते हैं, HDMI के 2 पोर्ट हैं, USB के 2 पोर्ट हैं, VGA का 1 पोर्ट है, AV का 1 पोर्ट है, और AUX का एक 3.5 mm का एक कनेक्टिविटी दिया हुआ है। और वीडियो फॉर्मेट ये आप देख सकते हैं इसमें सामने जो भी है पूरा, और MP3 फॉर्मेट भी देख सकते हैं। एसोसरीज़ की बात करें तो एसोसरीज़ में आपको HDMI केबल, AV केबल है ना, और हाइट एडजस्टमेंट का स्क्रू आएगा एक, वो मैं इसमें टाइट कर देता हूँ, क्योंकि वो अलग हो जाता तो कई बार होता क्या है ना, वो यहाँ भी छूट जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट प्रोजेक्टर में ही कर देता हूँ उसे। ठीक है, और 32 GB का एक पेनड्राइव है, रेड एंड ब्लू 3D ग्लास भी आपको इसके साथ में मिलेगा, पेपर वाला। ठीक है, और बाकी स्पीकर जो है 10 वाट का डाला हुआ है प्रोजेक्टर के अंदर। प्रोजेक्टर का नेट वेट जो है 1 किलो 800 ग्राम है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टर की पूरी फुल डिटेल मैंने आपको यहाँ दिखा दी है स्पेसिफिकेशन। तो आप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप ये भी देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जो है, देखिए वर्ड जो होता है टेक्स्ट वर्ड हमेशा, ये जिसका बैकग्राउंड होता है ना वो हमेशा वाइट ही होता है, और अपना प्रेजेंटेशन फाइल का, और वर्ड जो होते हैं ब्लैक होते हैं। तो आप इसको डे लाइट में ही डेमो दे सकते हैं। अभी देखिए मैं आपको दोबारा से डे लाइट करके दिखाता हूँ, ये मैंने डे लाइट कर दिया है, लेकिन बाहर कोई सॉन्ग भी प्ले कर रहा है दोस्तों, तो मोबाइल का जो साउंड, ये मोबाइल जो है कैच कर लेगा बाहर का, इसलिए मैंने वापस ऑफ कर दिया है। ठीक है, बाहर साउंड भी क्योंकि चल ही रहा है किसी के यहाँ पे। तो जो है स्पेसिफिकेशन डिटेल तो मैंने आपको यहाँ दिखाई दी है, अब मैं इसमें आपको वीडियो क्लियरिटी भी दिखा देता हूँ, बाकी वो डिजिटल 4D की स्टोन वगैरह सब आपको मिल जाएगा प्रोजेक्टर के अंदर। ठीक है,
यहाँ पे एक सेकेंड, गलत फोल्डर में घुस गया हूँ मैं। तो जैसे ये मैं अभी सर्च कर रहा हूँ, आपको भी USB में आप इस तरीके से सर्च करके आपके पास जो भी वीडियो हो आप यहाँ प्ले कर सकते हैं। और ये देखिए मैं यहाँ प्ले करके दिखा देता हूँ आपको, और यहाँ आप क्लियरिटी देख सकते हैं, काफ़ी शानदार क्लियरिटी 130 इंच के स्क्रीन साइज पे देखने के लिए मिल रही है, और वॉइस भी जो है बिल्कुल इनफ है प्रोजेक्टर की। साउंड सेटिंग आप चाहें तो यहां से चेंज भी कर सकते हैं। सॉरी डबल क्लिक हो गया तो आउट ही कर दिया उसने। मैं आपको थोड़ा फॉरवर्ड करके, फॉरवर्ड भी आप इसमें कर सकते हैं। सेटिंग, साउंड सेटिंग सभी आपको मिल जाएगा। अभी आप क्वालिटी देख सकते हैं, काफी शानदार यहाँ देखने के लिए मिल रही है। तो दोस्तों प्रोजेक्टर के प्राइस की बात करें तो प्रोजेक्टर का प्राइस जो है, लेटेस्ट प्राइस जो अभी का प्राइस है 15,000 रुपए है। 1 ईयर वारंटी के साथ में प्रोजेक्टर मिलेगा, और आपका कैश ऑन डिलीवरी ऑल इंडिया में अवेलेबल है। बाकी आप मुझसे कांटेक्ट करें, जो भी बेस्ट प्राइस होगा वह बेस्ट प्राइस करके मैं आपको दे दूंगा प्रोजेक्टर। और कैश ऑन डिलीवरी ऑल इंडिया में अवेलेबल है, आपको कुछ कंफर्मेशन अमाउंट देना होगा। बाकी बैलेंस पेमेंट जो बचता है वो आपको जब प्रोजेक्टर मिलेगा तब आप पेमेंट करके पार्सल रिसीव कर सकते हैं, इस तरीके से डिलीवरी हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।